हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कंसर टेक पार्क। आज एक HP लैपटॉप का मैं आपको एक वर्क सिखाने वाला हूँ। मॉडल था इसका HP 348G3। तो इसका इश्यू है, जब हम अडाप्टर डाल के लैपटॉप चालू करेंगे सी गाइस, देखिए ये वाला इसमें इश्यू है, ऐसा दिस वन। ठीक है, ऑफ कर देंगे अब इसे। सी गाइस, ये इश्यूज में इसका सस्पेक्ट होता है, नंबर वन स्क्रीन या डिस्प्ले केबल या डाटा कंपोनेंट में कुछ वेरिएशन, अदरवाइज विद ग्राफिक रहा तो कभी कभार आपका लैपटॉप में आपको जंक डिस्प्ले भी आ सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, अभी चेक करके आपको बता देंगे कि इसमें इश्यू था क्या एग्जैक्टली। ठीक है, जब भी लैपटॉप आप डिसअसेंबल करते हैं तो फर्स्ट आपको एक याद रहना चाहिए, ನೆನಪಿರಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿನ ನಾವು ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್. ಆದಮೇಲೆ ಫಟಾಫಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಗಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೆಸಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಭಿ ಭೀ ಚಾರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಸೇ ನಿಕಲ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಗೈಸ್ ಯಾದ ರಖಿಯೇ, ಯೇ ಆಪ್ಕೋ ಪೇಪರ್ LED ಹೋತಾ ಹೈ 101%. ठीक है गाइस, ये है हमारा पेपर LED 30 पिन वाला। मैंने इस स्क्रीन के बारे में भी एक लैपटॉप वीडियो अपलोड किया है मेरे YouTube चैनल कनसू टेक पार्क पे, और एक टेक्निकल चैनल है। एक बार क्लीन करके हम लोग इसे रिफिट कर देंगे। रिफिट करके अडाप्टर डाल के एक बार लैपटॉप चालू करके देखेंगे। अभी भी इश्यू सेम है इस पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे। हमारे पास कुछ वर्किंग और टेस्टिंग स्क्रीन्स है, ये भी वर्किंग है, वर्किंग है। ये 30 पिन पेपर LED स्क्रीन्स है। एक बार दूसरा स्क्रीन इस पर फिट करके सीखा। ये मेरा टेस्टिंग स्क्रीन है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे टेस्टिंग के लिए रखा था। ये सब कुछ जा चुका है यहाँ पे। कभी कभार स्क्रीन का फर्मवेयर मैच नहीं होने से भी आपका स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आएगा, तो जो भी स्क्रीन है पर्टिकुलर वही मांग के डालने से ही आपका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का जो भी है सॉल्यूशन, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते, दूसरा और एक स्क्रीन है मेरे पास। सीखा, ये सब हमारे टेस्टिंग स्क्रीन्स हैं, तभी तो जगह हमने रखा है कि ऐसे मोमेंट में हम लोग चेक कर सकते हैं नहीं। सी, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये लोगो फिर भी यहाँ पे शेक हो रहा है। देखिए, कंसू टेक पार्क June 1st से बैंगलोर में ओपन होने वाला है कंसू टेक पार्क, और लैपटॉप चिप लेवल ट्रेनिंग हम लोग वहाँ पे आपको देने वाले हैं।
जो भी लैपटॉप्स आते हैं हमारे पास वो हम लोग आप लोगों को डायरेक्टली लाइव लैपटॉप से हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करके देंगे, जो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे इसमें इतना दिन। सो यही काम हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करके आपको जो भी है थेरी प्रैक्टिकल्स कार्ड लेवल चिप लेवल ट्रैक लेवल HNT जो भी है हम लोग आपको प्रैक्टिकल्स के साथ ही सिखा के देंगे। तो June 1st इज अवर इंस्टीट्यूट इज ओपनिंग इन विल्सन गार्डन अपोजिट टू पुलिस स्टेशन 2nd floor। अभी भी इस पे यहाँ पे आप फील कर सकते कि शेक हो रहा है, ये वाला देखिए इट्स गेटिंग शेक। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने अभी किया कि दूसरे स्क्रीन के साथ हम लोगों ने एक बार चेक करके देखा तो कंडीशन अभी भी सेम है। तो हम लोग लैपटॉप को ऑफ करके इसका डिस्प्ले केबल के साथ काम करके देखते हैं। इसे भी सस्पेक्ट था तो हम लोगों ने अभी डिस्प्ले केबल मंगवा दिया है। एक बार चक्कर के देखते हैं एक नए डिस्प्ले केबल से वेदर ये इश्यू सॉल्व होगा या ना होगा। इसे अभी डिसअसेंबल करना पड़ेगा। डिसअसेंबल का बॉटम बेस ही निकलता है HP लैपटॉप्स, ऑलमोस्ट नहीं 50% लैपटॉप बॉटम बेस से ही निकलते हैं। लैपटॉप चिप लेवल सीखने से पहले आपको लैपटॉप असेंबल डिसअसेंबल भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी दूसरे सेंटर्स में हम लोगों ने देखा है कि डायरेक्टली मदरबोर्ड आपके सामने रख के काम सिखवा देते हैं, लेकिन जब तक आपको लैपटॉप असेंबल डिसअसेंबल नहीं आएगा तब तक आपका मदरबोर्ड आपके हाथ में नहीं आएगा, दैट इज़ द मेन थिंग। तो ये सब प्रैक्टिस आपको कंसुटेक पार्क में हो जाएगा। कहीं तो स्टक है भैया। ओ, इसका DVD रीडर का कैप नहीं है तो मैंने सोचा कि इस पर DVD रीडर नहीं है बोल के एक काम करेंगे हम लोग थोड़ा पीसफुली इसे हैंडल करते हैं। इसका DVD रीडर पहले हम बाहर ले लेंगे। ये आ गया DVD रीडर, अभी इजीली ये ओपन हो जाएगा। यह बोला था ना अभी इजीली ओपन हो गया। और है इसका डिस्प्ले केबल कनेक्टेड यहां पे। से डिस्प्ले केबल को रिमूव कर लेंगे, इसे बाहर ले लेंगे।
इसका डीसी कनेक्टर भी निकालना पड़ेगा। ये इसका डिस्प्ले केबल। अब हम लोग एक काम करेंगे, एक पार्ट को नीचे बाहर निकाल के डायरेक्टली हम बाहर से ही बाहर चेक कर लेंगे एक बार whether it is working or not। निकल गया। और ये जो मेटल पीस अब मैं निकालने वाला हूँ इज नथिंग बट ए हिंजस। हिंजस का भी एक बहुत बड़ा रोल है ऑफ लैपटॉप में। ठीक है गाइस, हम लोग क्या करेंगे अभी ए पार्ट को ले लेंगे। ए पार्ट को यहाँ से रख देंगे और मेरे पास था इसका डिस्प्ले केबल जो नया हम ले लिया था। ये डिस्प्ले केबल को हम लोग यहाँ से कनेक्ट करके ये केबल को हम लोग उनके जो पुराना था स्क्रीन उनके पुराने स्क्रीन पे एक बार फिट करके देखेंगे बाहर बाहर से ही। ये हुआ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसको ऐसे रखें। चलो इसका हार्ड डिस्क भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बिफोर कुछ था इश्यू और अभी कुछ हो गया। डीसी कनेक्टर, लैपटॉप ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिफोर एक जो लोगो आके इसके आजू बाजू जो लोगो आते थे वो लोगो अभी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। दिस इज द इश्यू विथ योर डिस्प्ले केबल ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये शेक गिक कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसका डिस्प्ले केबल हमने अभी चेंज कर दिया है। उनका ओल्ड डिस्प्ले केबल अभी भी उनके पैनल में यहाँ पे देखिए, ओल्ड दिस इज अ ओल्ड डिस्प्ले केबल जो यहाँ पे कनेक्टेड है। और एक डिस्प्ले केबल का कनेक्शन कभी भी यहाँ पे माइक पे जाता है, सॉरी वाईफाई, सॉरी कैमरा पे जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इश्यू जो भी था अभी जो फ्लिकरिंग या जो हिल रहा था वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा भी चेक करके देख लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। सी दिस इज द इश्यू, एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं। भी मशीन मैं रिस्टार्ट में डाल चुका हूं, ये भी रिस्टार्ट होने वाला है। एक या दो दो या तीन बार आप चेक कीजिए फ्रेंड्स, एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, खाली माइनर प्रॉब्लम तो सॉल्व करके दे दिया ऐसा नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम है आप दो बार या तीन बार या हाफ डे बैठ के उसके ऊपर आप चेक कीजिए एक बार वेदर या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। ऐसा होता है कि कभी कभार वहाँ हमारे काउंटर पर या हमारे ऑफिस पर क्लियर हो जाता है और जाने के बाद कस्टमर प्लेस या कस्टमर के हाथ में जाने के बाद इशू सेम रहेगा तो डिप्रेशन चले जाएगा कपड़े, कस्टमर बोलेगा कि नहीं काम अच्छा नहीं है बोल के। तो कितना होगा उतना टाइम मोस्ट ऑफ ऑल लैपटॉप्स के साथ गुजारिए, जो भी प्रॉब्लम है फाइंड आउट कीजिए, ट्रबल शूट कीजिए। ठीक है, तो आपको इंटरेस्टेड रहा चिप लेवल सीखने के लिए तो विल्सन गार्डन एक बार आके मेरे ऑफिस पे आप विजिट दीजिए। आपके पास कोई ख़राब लैपटॉप हो या नो डिस्प्ले लैपटॉप हो या किसी रिलेटिव का इशू हो या कोई किसी फ्रेंड्स का कुछ लैपटॉप इशूज़ हो, आप डायरेक्टली मेरे इंस्टीट्यूट पर आपके लेके आ सकते हैं। मैं आपको
फ्रेंकली बता रहा हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं, आगे से कुछ काम किया पीछे से कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये प्रॉब्लम आप मेरे से शेयर कर सकती है, आप डायरेक्टली लेके आ सकते हैं लैपटॉप्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाए कि वेदर हम लोग लाइव लैपटॉप्स आपको दिखाते हैं या नहीं। ऐसा सोचिए मत कि कुछ लाइव लैपटॉप्स में कुछ सेटअप होगा तो वहाँ पे जाकर हम लोग देख रहे, इतना ऐसा कुछ भी नहीं। आप लेके आइए, आपके भी लैपटॉप्स लेके आइए जो है डेड कंडीशन में या नो प्रॉब्लम नॉट पावरिंग ऑन में या नो डिस्प्ले या ब्लू स्क्रीन एरर्स या ऐसा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम से आप लेके आइए, हम लोग बैठ के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9739450230 और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और मेरा ऑफिस है विल्सन गार्डन पे, कंसू टेक पार्क अपोजिट टू पुलिस स्टेशन, अपोजिट टू पुलिस स्टेशन सेकंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस अभी बन रहा है वहाँ पे। तो जून 1 तक से हम वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ओपन करने वाले हैं, लाइव लैपटॉप प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट। ये खाली थ्योरी के ऊपर काम चलेगा नहीं, सो जो भी है आपको हम लोग प्रैक्टिकल के साथ ही समझा के देंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।